एनपीएस को आग लगाओ, आग लगाओ, आग लगाओ। ओपीएस को लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरभंगा के प्रधान डाकघर में बुधवार को पूरे दिन ताला लटकता रहा। कर्मचारी हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि निजीकरण के विरोध में और डाकघर को बचाने के लिए पोस्टल जेसीए के आह्वान पर नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट एसोसिएशन इंडिया की जिला इकाई के कर्मियों ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। इनका आरोप है कि पूरी तरह सरकार जन विरोधी नीति अपना चुकी है और सभी चीजों का निजीकरण कर मध्यवर्गीय जनता पर अत्याचार कर रही है। विभाग में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एनपीएस को खत्म किया जा रहा है, एनपीएस को लागू किया जा रहा है, ओपीएस को खत्म कर दिया गया, एमटीएस का पोस्ट खाली है, हमारे यहाँ पीए का बहुत सारा पोस्ट खाली है जिसको कि एमटीएस से पोस्टमैन से भरने की जरूरत है। विभाग खामखा बहाना करके उसको लगा रहा है। आरएमएस का सेक्शन हमारा खत्म कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ जो भी जीडीएस कर्मचारी हैं, जो भी जीडीएस यूनियन है उसको मान्यता नहीं दे रहा है और ट्रेड यूनियन के खिलाफ विभाग जो है सो मतलब दंडकारी नीति अपनाए हुए है। 65% हमारा प्राइवेटाइजेशन अभी तक हो चुका है, तो ऐसे में और प्राइवेटाइजेशन हमारा काम नहीं कर रहा है। पीयूएसबी हमारा इतना अच्छा काम करता है, वो अंग्रेज के ज़माने से काम करता आ रहा है, जब से डाकर तब से काम कर रहा था आ रहा है और उसको आईपीबी में मर्ज करने का जरूरत है। ये क्या तरीका है, ये गवर्नमेंट नीतियाँ समझ में नहीं आ रही। काम विरोध करते हैं जिसके विरोध में हम लोगों ने आज आंदोलन किया है और हमारा एनएपी यूनियन जो है वो भारत देश का सबसे बड़ा मुस्लिम यूनियन है जिसने की उसका विरोध किया। आप प्राइवेटाइजेशन का जो है विरोध कर रहे हैं, जहाँ की मोदी सरकार का कहना है कि प्राइवेट कोई भी सेक्शन को प्राइवेट करने से जो है उसमें ज्यादा वृद्धि होती है, नौकरी ज्यादा होती है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको? ऐसा मैं इसलिए इस बात से इनकार करता हूँ कि जहाँ तक डाकखाना की बात है कि हमारे यहाँ रोज गए नए काम लादे जा रहे हैं और उस काम के एवज में हमको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हमारा पोस्ट ऑफिस कर्मचारी वेतन है और के बारे में नहीं मैं बताऊँगा। डाक कर्मचारी जो है वो निष्ठापूर्वक काम करते हैं और बहुत काम कर रहे हैं और भारत देश के लिए बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। किस तरह का काम लादा जा रहा है? हम लोग का बिल्कुल नया काम जा रहा है। अभी रिसेंट में हम लोग का झंडा बेचने का काम दिया गया, मखाना बेचने का काम दिया गया, अभी हमारा वो काम दिया गया और हम लोग के पास आईपीपी का बिल्कुल नया काम दिया गया जो कि सारे बैंक से ज्यादा हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने घर घर पैसा पहुंचाया है, रोज गए इस तरह की नई नई स्कीम ला करके और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। ये अच्छी बात है लेकिन इसके बदले हमको भी कुछ मतलब विशेष मिलना चाहिए। आज हमारा सिटीजन चार्टर जो है उसके अलावा भी हमसे काम कराया जा रहा है। अच्छा, सरकार जो हर चीज को जो भारत की प्रॉफिट वाली चीज लॉस रेलवे से हमने कई बार अनुरोध किया। मैं बताऊं आपको कि हमारा जो ट्रेड यूनियन है पोस्टल ट्रेड यूनियन वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनियन है और हमने कई बार डिमांड किया कि आप सभी हमारे साथ आइए। वो लोग हमारे साथ नहीं आ पाने का कारण क्या, ये दुर्भाग्य है हमारा और हम लोग लेकिन फिर भी लगे हुए हैं कि उन लोगों को साथ करें और सब साथ करके आज भारत सरकार की जो हमारे नीति जो खिलाफ है उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार झा। आप क्या है संस्था में? हम यहाँ सिपाही हैं, बस एक संस्था के कॉमरेड हैं बस। मुद्दा है कि सेविंग्स वर्क जो है पोस्ट ऑफिस का उसको आईपीबी में मर्ज करने से जिसमें हमारे 5 लाख से अधिक राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता जो रोड पर आ जाएंगे जिनके रोजी रोटी की इसके विरोध में हम लोग हैं। वैसे पोस्ट ऑफिस में भी इनका जो गवर्नमेंट का व्यवस्था है लिंक नहीं रहता है, कभी सर्वर नहीं है, ये भारी किराए पर ये चला रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, जिसके विरोध में हम लोग वित्त राज्य मंत्री को भी हमारे संघ की ओर से बार बार हिदायत दे दिया गया है। हाल में ही 5 रोज पहले भी दोनों पंकज चौधरी और उनको दे दिया गया है। हम लोग इसीलिए इन डाक कर्मी के सहयोग में हमारे संघ आह्वान किया है, मैं इनके सहयोग में प्रदर्शन पर हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। इस संस्था में आप क्या है? उपाध्यक्ष दरभंगा जिला इकाई। के कारण हम अभिकर्ताओं जो निवेश घर घर से लगा चूंकि अलग बचत योजना के अभिकर्ता है, हम लोग घर घर से समझा के एफडी कराने का काम करते हैं जो राज्यों को विकास में सहयोग मिलता है और आज ने केंद्र सरकार ने
एक ऐसा योजना है कि आप घर बैठे फिक्स आप कर सकते हैं, सभी खाता घर बैठे आप खोल सकते हैं। तो हमारा जो 5 लाख अभी करता है जो रोड पर आ जाएंगे उनका रोजी रोटी का व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए ये अभी झांकी है, और आगे दिल्ली का भी संसद भवन का घेराव भी हम लोग करने जा रहे हैं अक्टूबर में। क्या मांग है? मांग है कि भैया एक तो आप जो ऑनलाइन जो FD का है उसको समाप्त किया जाए, IBP में मर्ज क्या पे बात है, जो फिक्स डिपॉजिट जो है जो ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट का पे चला लागू किया है उसको समाप्त किया जाए, और हम में जो कमीशन है 0.5% कमीशन है उसको बढ़ाया जाए, और जिसमें कमीशन नहीं मिल पा रहा है उसको कमीशन हम लोग को दिया जाए जो आपने बंद कर रखा है। ध्रुव कुमार मंडल डाका भी करता अलग बचत।